सबको मेरी नमस्ते। अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी और आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए चाहिए होगा हमें ये कच्चा पपीता, ये एक बॉल चीनी चाशनी बनाने के लिए, और ये कलर चाहिए होंगे येलो, ग्रीन और ये ऑरेंज और ये रेड। पहले हम इस पपीते को छीलेंगे और फिर काटेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो मैं छील लेती हूँ इसको और काट ली। हमने पपीता काट लिया है छोटे छोटे पीस में। अब हम इसको ये गर्म पानी उबालेंगे और इसमें इसको डालेंगे। ये गर्म पानी होने देते हैं, पानी उबल गया है। अब हम इसमें ये डाल देंगे सब। उबलने देंगे अब इनको। अब हम इसको पानी निकालेंगे, स्टैंड करेंगे, गैस बंद करेंगे। चाशनी बनाएंगे, पूरा बॉल डालेंगे और इसमें चौथाई हिस्सा पानी डालेंगे। चाशनी को बनने देंगे। अब देखिए चाशनी बन गई है, एक तार की चाशनी बन गई है। अब हम इसमें ये डालेंगे, गैस बंद करेंगे, इनको डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अभी इनको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कलर ले लिए हैं, ये ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है और ये रसभरी कलर है। अब हम इसमें डालेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा हर कटोरी में डाल लेंगे। कलरों को ऐसे मिक्स करेंगे, हर कटोरी के कलर को मिक्स कर लेंगे। इसको भी करेंगे। देखिए अब हम इनको सबको पेपर में डाल लेंगे सोखने के लिए। इसको भी डाल लेंगे। ग्रीन को भी डाल लेंगे, इनको हम सूखने देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे।
हमारी टूटी फ्रूटी तैयार है। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।